कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय, जिसका शीर्षक है श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों के उत्तर, उस अध्याय के 91 श्लोक संख्या, जो इस श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का आखिरी श्लोक है। और इस प्रकार हम ये जो है इस दूसरे स्कंद का आज जो है हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को बता रहे थे कि सर्ग और विसर्ग के विषय में, उसी बीच में जब सुखदेव गोस्वामी पद्म कल्प के विषय में बताने जा रहे थे, तो उसके बीच में जो है सानक ऋषि ने प्रश्न पूछा और उन्होंने श्री सुत गोस्वामी से निवेदन किया कि आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई, तो ये जो चर्चा विदुर और मैत्र मुनि के बीच में जो चर्चा हुई, आप हमें उसको बताइए, हम जानना चाहते हैं। विदुर ने क्या पूछा, तो चर्चा हुई तो उसमें क्या पूछा, और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया, ये जानना चाहते। पहला क्या कि उन्होंने उनमें बीच में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, और उन्होंने क्या पूछा, विदुर ने क्या पूछा, और मैत्रेय मुनि ने उनको क्या जवाब दिया, ये बताइए। और कृपया करके हमें ये भी बताइए कि विदुर ने अपनी कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए, और तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाए। तो यहाँ पे नैमिषारण्य में इकट्ठे जो ऋषि मुनि थे और जिनके मुख्य सौनक ऋषि जो इन सब ऋषियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वे जानते थे और वे जान लिए कि ये जो सभी ऋषि मुनि जो यहाँ पे इकट्ठे थे उनकी मन की बात क्या है, और इसीलिए उन्होंने ये चर्चा रुकाकर सुत गोस्वामी से ये प्रश्न किया, क्योंकि यही भक्त जो है वे जानना चाहते हैं। दूसरे भक्तों के विषय में और भगवान के विषय, कि उनका यही कार्य है कि महान भक्त किस प्रकार से कार्य करते हैं, और वे उनसे उनके विषय में जानने की का उत्सुक रहते। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब सौनक ऋषि ने श्री सुत गोस्वामी से प्रश्न किया, तो सुत गोस्वामी बोले, श्री सुत गोस्वामी ने बताया, ठीक है आपको ये जानना, आप ये सब जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था।
कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत जरूरी है, यहाँ पे आदेश दिया जाता है कि भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के भक्तों की चर्चा होती है, तब हमें ध्यान पूर्वक बैठ के सुनना चाहिए। ये भौतिक कथाएं नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर सर्वोच्च उत्तम जो है चर्चा है, जिसे सुनने मात्र से हम जो है पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है और हमारा जो है भगवान के साथ संबंध जोड़ जाता है। इतनी शक्ति है। तो इसीलिए यहाँ पे श्री सूत गोस्वामी सभी उपस्थित ऋषि मुनियों को यहाँ पे कह रहे कि मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं सब बातें बताऊंगा, लेकिन आप लोग कृपया करके उसे ध्यान पूर्वक सुनो। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं अपने तात्पर्य में कि प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। ये एक रूल है, ये एक नियम है, खास करके भगवान के भक्त। और यहाँ पे बताया गया कि मैं कैसे बताऊंगा, मैं तुम्हें सारी विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था, वैसे के वैसे मैं समझाऊं। ये बात जो है, ये महामुनि जो अधिकारी है, उन अधिकारी का जो बात है उसको मैं तो प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान, तो सूत गोस्वामी कह रहे कि मैं जो बताने जा रहा हूं वैसा ही बताऊंगा। कैसे? जिस प्रकार से महामुनि या सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। और जब ऐसे कहने से क्या परिणाम होता है कि जो सुनते हैं श्रोता जो है और उनको तुष्टि होती है कि वो जो कुछ भी बता रहे हैं वो प्रमाणिक है। और जब ये प्रमाणिक होता है तो सुनने वालों को भी तुष्टि होती है, नहीं तो कोई भी अपना मन गलत बात बता सकता है। और यहाँ पे पॉइंट जो सुत गोस्वामी ने क्लियर कर दिया ताकि जो सुनने वाले हैं उनको ये संतोष मिले, उनको ये तुष्टि हो जाए कि जो कुछ भी सुनाया जा रहा है ये जो है अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर कि जो उन्होंने सुनाया मैं सुनाया। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि यहां तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे के
स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से समक्ष प्रस्तुत करता है, साक्ष्य प्रस्तुत करता है। श्रेष्ठ जब सर्वश्रेष्ठ होती, इट इज ऑल्सो सेड बाय सो एंड सो, तो लोग बोलेंगे यस ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ की बात बता रहे हैं, तो उनका पॉइंट जो है सॉलिड होगा। ये जो उन्होंने बताया है उसी आधार पर मैं ये न्याय करने जा रहा हूं, धारण दिया। तो इसी प्रकार जो है भक्त जो है अधिकारी विद्वानों का उदाहरण के द्वारा कि सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बताया था, आज मैं बताने जा रहा हूं आप सबको हे सोनक ऋषि, तो ध्यान पूर्वक उसको सुनो। ये एटिकेट है, जैसे कि हम कोट करते श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी ने बताया है क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ आचार्य है। तो जब हम प्रभुपाद जी को कोट करते हैं तो जो सुनते हैं उनको भी लगता है कि यस ये अधिकारी का बात बता रहे, श्रेष्ठ अधिकारी की शिक्षा दे रहे। और प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्यों में प्रमाण देते हुए उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, उन्होंने प्रमाण दिया है कि रूप गोस्वामी के द्वारा, जीव गोस्वामी के द्वारा, नारद मुनि के द्वारा और अनेक अनेक जो महान भक्त है उनके या ग्रंथों के द्वारा उदाहरण देकर उन्होंने, तो हमें ये प्रमाण मिलता है। तो यह क्या कहलाता है? परंपरा विधि। तो यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क न देकर इनका पालन करते हैं। इधर उधर की बातें, नो टाइम फॉर इधर उधर, डायरेक्टली जो गुरु परंपरा के द्वारा जो ज्ञान आ रहा है उनको प्रस्तुत करना है। लेकिन परंपरा ही क्या है, कितने भी सुनो, कौन कोट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र में से या वेदों में से कुछ कोट, लेकिन यहाँ पे परंपरा। तो ये परंपरा बहुत जरूरी है। तो ये परंपरा क्या है, जो डाइसेक्ट आ रहा है कहां से? भगवान से। तो जो कोई भी, और हम देख रहे हैं और ये पॉइंट पहले भी क्लियर हो गया है कि ब्रह्मा जी ने भगवान से, नारद मुनि ने ब्रह्मा से और व्यासदेव ने नारद मुनि से और सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से और सुत गोस्वामी ने यहाँ पे बता रखी सुखदेव गोस्वामी से, ये परंपरा। तो ये कनेक्शन जो है, और परंपरा में क्या है, जो भी ज्ञान है वो वैसे का वैसा जो है
ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बिना दूषित हुए, जैसे कि उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, प्रभा जी उदाहरण देखते हैं कि आम के ऊपर, पेड़ के ऊपर जो पका हुआ फल है, और ये श्रीमद् भागवतम जो है सभी वेदों का पका हुआ फल है, रस से भरा हुआ है, जिसमें ना कोई छिलका है ना कोई कुटली, और ये अगर ऐसा चीज अपने हाथ में आए तो उसके बहुत ही संबल के एक के बाद एक के हाथ में देते हुए नीचे तक पहुंच सकता है। और परंपरा का अर्थ क्या है? कनेक्शन, तो ये कनेक्टेड है। और परंपरा का अर्थ ये है कि हमें जो अपने गुरु के आदेश का पालन करना, जब हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं तो हम जो है परंपरा से कनेक्टेड रहते हैं, और उसको कहते हैं गुरु परंपरा। और जब अगर हम भगवान से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमें इस गुरु परंपरा से साथ हमें जुड़ना होगा। और जब कोई शिष्य योग्य बन जाता है, इस प्रकार से गुरु के आदेशों का पालन करता है, तो उसे जो है इस गुरु परंपरा में जुड़ा जाता है। इसीलिए कुछ नियम है, कुछ चीजों का पालन करना पड़ता है, तब जाके जो, क्योंकि ये जो ज्ञान है, अगर उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो वे बिखर जाएगा, मिलावट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है कि ये गुरु परंपरा के द्वारा उसकी प्रामाणिकता वैसे के वैसे बनी रहे जैसे कि वो पहला सोर्स भगवान श्री कृष्ण से। तो जब जिस प्रकार से तो सोर्स, जैसे कि पावर हाउस है, बिजली का जो पावर हाउस है वो सोर्स है जहां से बिजली आती है, लेकिन ये बिजली जो है अनेक अनेक वायर द्वारा कनेक्टेड है और हम तक पहुंचती है, और उसका हमें वैसा का वैसा लाभ मिल सकता है अगर हम उसको बैठे बैठे हमारे घर के अंदर, हम इस प्लग में जब हम अपना कॉर्ड या पॉइंट में, अगर हम अपना सॉकेट में हम अपना डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसका पावर हमें आ जाता है। इसी प्रकार से जब गुरु परंपरा से जो ज्ञान आता है तो वो पावर और उसका महत्व जो है वैसे की वैसा रहता है जो पहले भगवान श्री कृष्ण से जो ये ज्ञान आता रहा है, तो वही पोटेंसी। सो पोटेंसी परंपरा में है, अपने आप नहीं। परंपरा की शक्ति तो इसीलिए ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजना श्लाघया चक्षुरुन्मीलनम्, ये शक्ति कहां से आ रही है? और जब तक हम गुरु के साथ और
ये शक्ति कैसे आती है? जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, तो वही और वो कनेक्शन का इंस्ट्रूमेंट क्या है? कनेक्टिंग टू द सोर्स का इंस्ट्रूमेंट है गुरु का आदेश, क्योंकि भगवान का आदेश, आज जो करंट गुरु है उनका आदेश जो चल रहा है, भगवान का आदेश जो ब्रह्मा जी को दिया, इस प्रकार से जैसा ही एक ज्ञान उनका आदेश को नारद मुनि ने पालन किया, उनके आदेश इस प्रकार से गुरु जो है उनकी गुरु के आदेश, और उसके बाद में जो जो गुरु बनता है वो अपने गुरु का आदेश, जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश, और अभी जो भी गुरु हैं वे अपने गुरु का आदेश का पालन करते हैं, तो वे कनेक्शन जो है बनाए रहता है, और उसमें जो है शक्ति है और महत्व है। नहीं तो सिर्फ गुरु शिष्य बनना और गुरु के आदेशों का पालन नहीं करना, तो ये सिर्फ दिखावा है। और दीक्षा का अर्थ ये है कि हम जो है प्रामाणिक परंपरा से जुड़ रहे हैं, और हम तैयार हैं कि हम जो है इस गुरु के परंपरा का जो आदेश है, हमारे जो करंट गुरु है, करंट गुरु का आदेश, करंट गुरु का आदेश नहीं पालन कर रहे, लेकिन आगे के गुरु हम कह रहे नहीं हम तो उनका, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो अभी जो है, अभी क्या आदेश दिया जा रहा है उसको पालन करना है, क्योंकि ये उत्तरदायित्व हर एक गुरु को है कि वे जो है ये परंपरा जो है वैसे की वैसे चलती जाए। और चार प्रमाणिक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, बाकी के जो है वो उपसंप्रदाय है, जो प्रमाणिक नहीं है वो वहां तक नहीं ले जा सकते हैं जैसे भगवान तक। और वो चार संप्रदाय कौन जानता है कौन से है? गौड़ीय संप्रदाय, वनश्री संप्रदाय, राइट? कुंभ संप्रदाय माता जी, रुद्र एंड कुमार, कुमार ओके। और एक है रुद्र, रुद्र। तो ये चार संप्रदाय, ये प्रामाणिक संप्रदाय, ये प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय ये तो हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि भगवान से ज्ञान इसको पहला प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य है मध्वाचार्य। तो ये एक है ब्रह्म संप्रदाय, उनके आचार्य है मध्वाचार्य। दूसरा है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से आया हुआ जो सब, उनके आचार्य है रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय। दूसरा है शिवजी से रुद्र संप्रदाय, उनके आचार्य है विष्णु स्वामी। और फिर कुमार संप्रदाय चौथा, जिनके आचार्य है निम्बरकर स्वामी, मध्वाचार्य रुद्र संप्रदाय। तो चार कुमार या कुमार संप्रदाय सनक कुमार से आया हुआ, और बाकी जो है वो मायावादी संप्रदाय है, वो भगवान को से नहीं
तो ये चार संप्रदाय। तो हम जो जैसे कि आप भगवद गीता के पहले ही देखिए प्रभुपाद जी ये बात क्लियर कर रहे हैं, पहले ही भूमिका में जो 32 आचार्य है 32 राइट कौन पढ़ेगा ओपन भूमिका, आप लोग जान लो इन सब चीजों को। गुरु परंपरा का प्रमाण दिया है कि जो कुछ भी इस भगवद गीता, इसीलिए ये भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम अति प्रमाणिक है कि अगर एक शब्द प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं बताया, ये अगर कोई एक शब्द पढ़ेगा, कोई एक वाक्य पढ़ेगा, वन श्लोका पढ़ेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इन सब वाक्यों में सारी गुरु परंपरा की शक्ति है और ये गुरु परंपरा यहाँ पे बताया जा रहा है। भूमिका के लास्ट किसके पास है खुला, पढ़िए। भगवद गीता जी भूमिका का स्टार्टिंग से एंड। हाँ जी ओके। तो एवं परंपरा प्राप्त यहाँ पे बताया गया कि भगवान ने बताया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद जी यहाँ पे बताया, ये भगवद गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पे श्री सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो कुछ मैं बता रहा हूं ये जो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के वार्तालाप के द्वारा मैं ये प्रस्तुत की कर रहा हूं और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे। तो पूरे 32 नाम जो भगवान से शुरू हो रहा ये परंपरा, हम इस्कॉन में अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ इसी परंपरा से ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय, क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी से, तो हम ब्रह्म संप्रदाय गौड़ीय, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में प्रकट हुए और माधवाचार्य जो है इस संप्रदाय के आचार्य, तो हम सिर्फ ब्रह्म नहीं थे, हमारा ये संप्रदाय देखिए कितना पावरफुल और इतने सारे बताए गए हैं यहाँ पे नाम, श्री कृष्ण ब्रह्मा श्री नारद मुनि श्री व्यास देव श्री मध्वाचार्य पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षोभ्य जयतीर्थ, इस प्रकार से आते आते इतने सारे नाम जो है श्री चैतन्य महाप्रभु रूप रघुनाथ कृष्णदास नरोत्तम विश्वनाथ जगन्नाथ बलदेव भक्ति विनोद गौर किशोरदास भक्ति सिद्धांत सरस्वती और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जैसे कि हम यहाँ पे जब हम करते हैं कुछ भी गुरु परंपरा के द्वारा तो हर भक्तों के अल्टर में ये सब गुरु परंपरा है, ये प्रमाण है कि ये जो किया जा रहा है वो परफेक्ट कनेक्शन के द्वारा किया जा रहा है जो श्रील प्रभुपाद से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से गौर किशोर बाबा जी या भक्ति विनोद ठाकुर से जगन्नाथ दास बाबा जी, इस प्रकार से ये जो गुरु परंपरा और ये प्रमाण है और इन सब वैष्णव संप्रदाय में से ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय बहुत ही पावरफुल, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं
कि हम ऐसे परंपरा से जुड़े हैं। 32 बैक कौन बताएगा, कौन गुरु है बताएंगे, उनको पता भी नहीं उनके गुरु कौन। ठीक है गुरु है तो उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु कौन है, कोई नहीं प्रमाण में। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये प्रमाण है, इसीलिए कहीं और नहीं जाना है। अगर हमें, अगर हम अपने मन से कुछ करना चाहते हैं तो किसी को भी मान लो, कोई बात नहीं, कुछ तो हो रहा है, लेकिन रिजल्ट चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम परंपरा के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें, नहीं तो कौन जाएगा IIT में। वैसे तो बहुत कॉलेजेस हैं, क्यों आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम सबसे सर्वोच्च ज्ञानी या ज्ञान जहां पे मिल रहा है वहां ज्ञान को बड़ी गुरु परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु और हर एक परंपरा में एक चीज ही ज्यादा महत्व रहती है। तो माधव है लेकिन हम जो है गौड़िया। तो हम कुछ लोग कहेंगे तो ओके माधव संप्रदाय, हम माधव संप्रदाय से जुड़े जुड़ सकते हैं इसमें कोई, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी संप्रदायों के दो दो चीजें लेकर इस गौड़िया वैष्णव, तो जब हम गौड़िया वैष्णव या ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आते हैं तो सभी संप्रदायों की जो बातें हैं हमें इसमें मिले। आप माधव में माधव संप्रदाय में जाएंगे तो वही दो चीजें क्या है, सर्विस टू द डेटी ऑफ कृष्णा एंड एक्सेप्टिंग द डेटी ऑफ कृष्णा एज एन इटर्नल स्पिरिचुअल बीइंग, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा। और भगवान और अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है, ये दो चीजें जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये दो माधव संप्रदाय की जो मुख्य चीजें हैं उन्होंने इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय या मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है कि नहीं, करते हैं कि नहीं अच्छे विग्रह की से। रामानुजाचार्य की भक्ति जो है कर्म और ज्ञान से ऊपर है और दूसरी है वैष्णव सेवा। रामानुज भक्ति अनपल्यूटेड बाय कर्म और ज्ञान, अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत, और सर्विस टू द डिवोटीज। तो ये अपनाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, थी दो चीजें जो विष्णु स्वामी उनका क्या, भगवान के ऊपर आश्रित, और राग भक्ति पूर्णतया से आश्रित शरणागत रहे, और साधना भक्ति की अंगों का पालन करके उस राग भक्ति तक पहुंचे। निंबरकर स्वामी से दो चीजें, श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण, टेकिंग शेल्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी, वो वही करते हैं निंबरकर स्वामी, श्रीमती राधा सब कुछ उनकी शरणागत, और सबसे उच्च तो तर भक्ति जो है गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम निंबर। तो ये जो दो दो चीजें हैं अनेक अनेक संप्रदाय से
श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी भट्ट पद कमल दासानुदास आराध्य भगवान रजेश तनया तद धाम वृंदा प्रेम पुमर्थो महान। ये सब चीजें जो है तो इसीलिए कंप्लीट है ये संप्रदाय, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये बातें हमें तो डाउट में नहीं रहना चाहिए, हमें ये सब चीजें जो है जाननी बहुत जरूरी है। और अगर हम कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ऐसे प्रमाणिक संप्रदाय ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिराधि गोविंद सर्व कारण कारण वो यहाँ पे बताया जा रहा है श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कि किस प्रकार से ये भगवान सर्व कारण कारण। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है, हमें उनके बातों का आज्ञा को मानना है, मानना है, हमें माने भगवान की, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर उनका सिग्नेचर है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर भगवान का क्या बोलते हैं हिंदी में सिग्नेचर को, हस्ताक्षर। हाँ, हस्ताक्षर है। तो ये आज हम इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत भगवान सभी प्रश्न, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक दसवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोलो दूसरे स्कंद की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री सूत गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सब भक्तों की जय। आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग जो है नित्यम ये सबसे कठिन इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, दूसरा स्कंद को तो जानते ही नहीं है, लेकिन हर एक स्कंद में भगवान का रस मिलता है जितना दसवें स्कंद में। ये है परंपरा की शक्ति और भक्ति और प्रभुपाद जी की भक्ति की हर एक ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड दूसरा अध्याय में भी उन्होंने हमें उस रस को दिखाया जो हम दसवें स्कंद में। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन।